कुलभूषण जाधव को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अहम समिति ने पाकिस्तान के सैन्य अदालतों के कामकाज पर चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम समिति यूएन कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर ने पाकिस्तान सैन्य अदालतों के कामकाज पर चिंता व्यक्त की है। समिति ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत की निंदा करते हुए कहा है कि जाधव जैसे मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट में होनी चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, मिलिट्री कोर्ट सेना का हिस्सा होने की वजह से आजाद नहीं है, लिहाजा सिविलियन से जुड़े मामले सिविल कोर्ट में चलाए जाएं। यूएन कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर की रिपोर्ट पिछले हफ्ते प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में पाकिस्तानी सैन्य अदालतों को पूरी तरह कटघरे में खड़ा किया गया है। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई है कि सेना को अधिकार मिला हुआ है कि वो बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में ले सकती है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को बिना सबूत फांसी की सजा सुनाए जाने को लेकर कटघरे में है। और तो और, पाकिस्तान ने कई बार इजाजत मांगे जाने के बाद भी भारतीय राजनयिकों को कुलभूषण से मिलने की इजाजत नहीं दी। सबूत के नाम पर पाकिस्तान ने केवल ये वीडियो रिलीज किया है जिसमें कुलभूषण जाधव इकबालिया बयान देते नजर आ रहे हैं। लेकिन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को चेताते हुए कहा है कि इकबालिया बयानों को साक्ष्य के रूप में न माना जाए और मिलिट्री कोर्ट में चल रहे मामले सिविल कोर्ट में ट्रांसफर किए जाए। NMF News की रिपोर्ट।